हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इतने दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज कोरोना के बारे में कुछ बताते हैं। सो मैं एक इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा या ड्रिंक आप कह सकते हैं, मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आज, जिसमें पांच चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। और ये पांच चीज़ें जो हैं उनमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये प्रिवेंट करेगा हमें, हमारे बॉडी को प्रिवेंट करेगा बैक्टीरिया को अंदर आने से, और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। सो जल्दी जल्दी देखते हैं कि हम पांच चीज़ें कौन कौन सी यूज़ करने वाले हैं इसमें और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो नंबर वन इज़ बेसिल हम यूज़ करने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में तुलसी बोलते हैं। ये एक बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है, जिसको हम बहुत हर्ब कह सकते हैं, जिसको हम बहुत टाइम से यूज़ करते हैं। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम नंबर्स में काउंट करें तो हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं इसकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। बट फिर भी मैं कुछ आपको बताती हूँ जो बेसिक हैं इसकी। वो है डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, और इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी है जो हमें इस टाइम पर काम आने वाली है, वो है इट फाइट फ्री रेडिकल एक्टिविटी। फ्री रेडिकल एक्टिविटी क्या है कि हमारी बॉडी में कोई भी जो बाहर से एलिमेंट आ रहा है, एंटर कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई होने से ये प्रिवेंट करता है। सो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, जिसकी हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो सेकंड हमें इस टाइम पे ज़रूरत है वो है एंटी डिप्रेशन की तरह भी ये काम करता है। सो अब घर में बैठे बैठे सभी को ऑब्वियसली डिप्रेशन हो रहा है, सो इसमें भी बेसिल बहुत हेल्प करता है। एंड लास्ट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ इस टाइम पे जो मैं हम मेंशन कर सकते हैं इसमें, वो है डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को। तो ये है नंबर वन हमारा बेसिल। सेकंड चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है जिंजर। सो जिंजर हमें पता है कफ एंड कोल्ड में बहुत अच्छा होता है, आप कफ एंड कोल्ड में जिंजर यूज़ करें, स्टमक पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इट इज़ ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज इसमें होती है। थर्ड चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं सिनेमम। इसकी तो बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होता आया है, बहुत अच्छा मसाला कह सकते हैं इसमें हमारे जो है। सो इट्स ऑल्सो इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट फाइट्स इन्फेक्शंस, और हमारे बॉडी में जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है हमारा सिनेमम। क्लोव हम यूज़ करने वाले हैं। क्लोव एंटीऑक्सीडेंट होता है और जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करता है। ब्लैक पेपर अगेन एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंड ऑल्सो इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल। जो लास्ट हमारा है वो है जागरी, और जागरी की जगह पे हम हनी भी यूज़ कर सकते हैं। जागरी हमारा बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है एंड डिटॉक्स करता है बॉडी को, प्लस हमारे आयरन की डेफिशिएंसी को भी कम करता है जागरी। आप जागरी या हनी में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो हैड एंड सी हाउ टू मेक दिस इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। इफ़ यू लाइक दिस ड्रिंक, प्लीज़ गिव द वीडियो अ थम्स अप, and don't forget to share it with your friends, and do let me know in the comment how you like the video and what else videos you want me to share with you guys. Thank you. So here we have basil, and then ginger, and then cloves, and some jaggery, and we have some black pepper, and we have this cinnamon stick, these all things, and then we need a crusher to grind all the things. And that here we have taken water, we'll make it to the boiling point, and then we'll add all the mixture in the grinder and make a fine paste with this. Grind it very nicely. And now the paste is ready, you can see. Now the water is also boiling. We'll add this mixture in the boiling water and wait till the water boils up nicely. Now we can see the water is boiling and the mixture along with that get completely infused in the water. Here we'll add jaggery. Now it's boiled completely.
So we will take it out in a cup and enjoy it. It will boost our immunity and the taste also tastes very good. So if you like the video guys, please give it a thumbs up and do share it with your friends. Stay healthy.